मधुबन न्यूज की फास्ट खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत के सुप्रसिद्ध कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई द्वारा मुंबई में करजत स्थित एनडी फिल्म सिटी में महाउत्सव। करजत सेवा केंद्र ने योगी खेती की जानकारी के लिए लगाए स्टॉल्स। घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी हुई सम्मानित। बीके प्रमीला ने किया स्वीकार। जयपुर की विरासत अल्बर्ट हॉल से आओ सजाएं अपनी दिव्य विरासत विषय पर कार्यक्रम सेव द मदर अर्थ के अंतर्गत आयोजित। राजयोग द्वारा प्रकृति को शुद्ध व पवित्र वाइब्रेशन दिए। जन जागृति हेतु निकाली रैली। लाइव पेंटिंग में युवाओं ने लिया हिस्सा। जयपुर सबजोन प्रभारी बीके सुषमा ने धरती को किया नमन। वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने कराया राजयोग। मध्य प्रदेश के बिलहरा राजा में 7 दिवसीय कथा का राधे कृष्ण मंदिर पर हुआ आयोजन। कलश शोभा यात्रा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चैतन्य श्री राधे कृष्ण की सजाई झांकी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या, बीके राजकुमारी, आयोजक वकील चौबे समेत कई लोग मौजूद। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता रहे मुख्य वक्ता। डेयरी डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजनीश दुबे समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद। लखनऊ के गुलजार उपवन में बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सुनाए अपने अनुभव। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने दी शुभकामनाएं। होशियारपुर के एलपीएच पीसीएल गैस बहराई संयंत्र में कार्यक्रम। बीके वीरेंद्र, बीके लक्ष्मी ने कर्मचारियों को सिखाई सुख में जीवन जीने की कला। वरिष्ठ संयंत्र प्रबंधक राकेश भारती को दी ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश के खजुराहो में निकाली गई साइकिल यात्रा। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने यात्रियों को बताए साइकिल के फायदे। समाज सेवी सुधीर शर्मा, बुंदेलखंड बैंक मैनेजर विजय रजक समेत कई लोग उपस्थित। गुजरात के केशोद में 4 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। भारत विकास परिषद के प्रमुख प्रिंसिपल नंदानिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, बीके अल्पा ने बच्चों को किया प्रोत्साहित। कोलकाता म्यूजियम में एंगर टू पीस विषय पर वर्कशॉप। 18 से 35 साल के युवाओं ने लिया हिस्सा। बीके आशा ने दुखी ना होने, रिएक्ट ना करने और ज्यादा ना सोचने का किया आह्वान। बीके चंद्रा ने राज्यों के बताए लाभ। सोनीपत के नांगल टीडीआई सेंटर में ब्यूटीफुल और पावरफुल थीम पर कुमारियों के लिए कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके पूजा ने आध्यात्मिकता का महत्व बताने के साथ साथ कराई कई गतिविधियां। पुटपार्थी के शिव दर्शन आर्ट गैलरी का जिलाधिकारी वसंत कुमार ने किया अवलोकन। बीके लक्ष्मी ने दिया ईश्वरीय संदेश। जिलाधिकारी ने पूरे जिले में पौधे लगाने का लिया संकल्प। ब्रह्मा कुमारी द्वारा केदार घाटी गुप्तकाशी में एलईडी वैन द्वारा गांव में चलाया जा रहा है व्यसन मुक्ति अभियान। गढ़वाल क्षेत्र के डायरेक्टर बीके मेहरचंद, बीके नीलम ने बुरी संगत से बचने का किया आह्वान। एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने संस्था के प्रयासों को सराहा। जम्मू के बंद तालाब सेवा केंद्र पर मनाया गया मदर्स डे। जम्मू की निदेशिका बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोगी बीके रविंदर, बीके कुसुमलता ने दी शुभकामनाएं। अतिथियों का किया गया सम्मान। दिल्ली के डेरावाल नगर में मातृ दिवस पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी की उपस्थिति में कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। यूपी के हाथरस में भी मनाया गया मदर्स डे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, सादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने कहा इस मानव जीवन में लौकिक माँ, प्रकृति माँ, भारत माँ तथा परमात्मा माँ जैसी कई माएँ हैं। जम्मू के रियासी सेवा केंद्र पर मूल्यनिष्ठ परिवार में माताओं की भूमिका विषय पर आयोजन। मिडिल स्कूल की प्राचार्य विजय कुमारी, नर्स सुशीला, बीके पल्लवी, बीके कांता ने दी शुभकामनाएं। ऐसे ही रोहतक के शीला बाईपास चौक सेवा केंद्र पर आयोजन। बीके विद्या भारती कॉलेज के डायरेक्टर संतोष मलिक व प्राचार्य सुदर्शन मलिक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा ने परमात्मा माँ का आभार मानने की दी प्रेरणा। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रभारी बीके सरिता ने महिलाओं से सशक्त बनने का किया आह्वान। माताओं को किया गया सम्मानित।
मदर्स डे पर मध्य प्रदेश आम गाँव के करेली सेवा केंद्र में आयोजन, जिला पंचायत सदस्य मालती चौरसिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा ने कहा कि मात्र शक्ति ही है जो नई पीढ़ी को दैवीय संस्कार दे सकती है। मध्य प्रदेश के आशा सेवा केंद्र में प्रभारी बीके कुसुम ने कहा कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। वहीं साहू समाज की अध्यक्षा शोभा साहू, महिला मंडल की अध्यक्षा भारती साहू, डॉक्टर विजय कोचर ने किया संबोधित। आगे गौर झामर में अखंड नारी जागृति समिति द्वारा मातृ दिवस पर आयोजन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, समिति अध्यक्ष अर्चना लोधी समेत समिति की कई महिलाएं रही मौजूद। ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा हरपालपुर में मातृ शक्ति का किया गया सम्मान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा ममता बैसाखिया, प्राचार्य मनीषा त्रिपाठी समेत कई लोग उपस्थित। बीके आशा बीके पूनम ने दिव्य गुणों को धारण करने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के करेली सेवा केंद्र में प्रभारी बीके सरोज ने मातृ शक्तियों को किया संबोधित। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्षा सीमा कोहरे ने अच्छे संस्कारों से नए समाज का निर्माण करने का किया आह्वान। मध्य प्रदेश करौंदा के कृष्णानगर सेवा केंद्र पर सुंदर कार्यक्रम, पीपल्स कॉलेज की प्रोफेसर बीके रेखा, गीतांजलि कॉलेज की प्रोफेसर बीके कविता समेत कई अतिथि शामिल। बीके मधु ने नारी शक्ति को सशक्त बनने की दी प्रेरणा। रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सविता ने कहा कि खुशबू बिखेरना ही दया और करुणा है। मौके पर JVL प्रबंधक महावीर, उद्योगपति अनोखी लाल कटारिया समेत कई अतिथि रहे मौजूद। जोधपुर की शंकर नगर सेवा केंद्र पर भी मनाया गया मदर्स डे। उम्मीद हॉस्पिटल की नर्सिंग अधीक्षक रुकमणी, समाज सेविका मंजू गुप्ता, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने सकारात्मक संकल्पों पर दिया जोर। जोधपुर तिवरी में बच्चों ने नृत्य कविता के माध्यम से मां के प्रति जाहिर की भावना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीनू ने माताओं का किया सम्मान। मध्य प्रदेश के केसली सेवा केंद्र पर सभी माताओं को बीके किरण ने किया संबोधित, कहा नारी शक्ति अनेक रूपों से सर्व संबंध निभाती है। मध्य प्रदेश राहतगढ़ में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने कहा देवियों को अष्टभुजाधारी कहा जाता है क्योंकि उनमें अष्ट शक्तियां समाई होती हैं। अंत में कई महिलाओं को किया गया सम्मानित, बीके वंदना ने परमात्मा की मदद का अनुभव किया साझा। फास्ट न्यूज में आज इतना ही, देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।